गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू दी ओटीएस चैनल तो स्वागत है आप सभी का एकदम शानदार सी क्लास में तो आज की क्लास शुरू करें. भाई पी डी एफ हो चुकी है अपडेट कल वाली पी डी एफ जो है वो आपकी हो चुकी है अपडेट सारी पी डी एफ आपकी अप टू डेट है जितनी भी क्लासेस मैंने अभी तक ली हैं कल वाली क्लास को मिला के वो सारी पीडीएफ अपडेटेड है, तो अप है ना उसको अभी तक डाउनलोड कर लीजिए आप क्योंकि अभी तक जो है न, वो आपकी, C, आपकी जिस क्लास इस चैनल के ऊपर क्लास ट्वेंटी फोर के ऊपर अभी जितनी भी क्लासेस जा रही हैं टोटल ओवरऑल जितनी भी क्लासेस जा रही हैं उन सबकी पीडीएफ जो है वो आपकी अपडेट हो रही है ऑन दी ओटीएस राइट तो एक बार शुरू करें आप बताइए मिल गया है ना काफी सारे बच्चों को मिल गया है ना ऐप आप आपकी ओटीएस अड्डा के नाम से है ठीक है ऐप आप आपकी ओटीएस अड्डा के नाम से है राइट तो ऐप अभी भी आपकी ओ टी एस अड्डा के नाम से ही है तो आपका चैप्टर नंबर थ्री पार्ट नंबर टू कर रहे हैं यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आपको ना तीन पार्ट्स में कवर करना रहेगा राइट कल का भी पार्ट आपका पार्ट नंबर थ्री जो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का होने वाला है कि कल आप जो है वो मेरे साथ जो है वो कैसे बनाए जाते है, इन सारी चीजों को जो है वो समझने वाले हो आपके पास जनरल साइंस की क्लास यानी कि मॉक टेस्ट जो है वो आपके मॉर्निंग में चल रहा है तो आप सुबह सुबह जो है ना आठ बजे एट एम पे आप जो है ना वो टेस्ट जो है ना उसको कंप्लीट करिए मेरे साथ मैं फोर्टी क्वेश्चन करा रही हूँ देखिए अंतिम चालीस दिन में हर दिन जो है वो और सारी चलेंगी। साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है ना वो आपकी चालू हो चुकी है जिसमें आपको हंड्रेड जो मॉक टेस्ट है वो वन नाइनटी नाइन रुपीज में आपके अपडेट हो रहे देखो आपको नहीं मिला है क्या आप कल का पीडीएफ अच्छा एक सेकंड रुको आप मुझे कंफर्म करने दो कि कल का पीडीएफ आपको अभी तक मिला है कि नहीं मिला है मेरी तरफ से पीडीएफ जा चुका है मैं पे आपको बता देती साइंस जुलाई वाला हो गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कल का मैंने नाइन ट्वेंटी नाइन पे पीडीएफ भेज दिया था तो मैं देख लेती हूँ एक बार एट पी का पी नहीं गया क्या चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है जितनी देर में आप मुझे कुछ क्वेश्चंस वगैरह के आंसर कर दीजिए उतनी देर में मैं पीडीएफ के लिए बात कर लेती हूँ अभी जो है वो ऊपर जो है ना मनीष मैं दे दूंगी कोई टेंशन नहीं है तुम तो एड्रेस भेज दो मुझे जरा ना

चले कल वाला ये पाठ किया था कि सारी चीजें जो है वो मैटर जिसे आप कहते हो वो सारा मैटर जो है वो किससे मिलके बना होता है एटम से मिलके बना होता है यानी कि पदार्थ से मिलके मतलब पदार्थ जो है ना वो आपकी मेन चीज है और ये पदार्थ जो है वो किसका मिलके बना है एटम का मिलके बना है तो एक सीक्वेंस है जो आपको समझना पड़ेगा कि जब आप स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की बात कर रहे हो तो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का नाम बात क्या है लवाइजियर के द्वारा सबसे पहले जो आपके एटम्स है और एलिमेंट्स है खासकर

विटामिन डी की टेबलेट जो है ना वो मैं आपको अलग से शॉर्ट्स आते हैं वो मैं आपको जो है ना वो लिख के दे दूंगी और कहीं पे भी आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाइए और आप उनको पूछिए कि आपका जो है ना विटामिन जो आपका ये जो स्टोर है ना उस पे जाके एक बार पूछ लीजिए बस कि विटामिन डी का ना हमको शॉर्ट्स चाहिए अच्छा एक सेकेंड राइट right? लवाइजियर के द्वारा एंटे वॉन लवाजियर के द्वारा जो है ना वो आपके एसेट्स जो है ना वो आइडेंटिफाई किए गए बेस आइडेंटिफाई किए गए कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये जो तीन एलिमेंट्स हैं वो आपके किसके द्वारा आइडेंटिफाई किए गए आपके लवाइजियर के द्वारा एंटनी लॉरिट लवाइजियर के द्वारा जो है ना वो आइडेंटिफाई यहाँ पे किए जा रहे हैं बराबर है साथ में याद रखिए कि दो थ्योरीज आपके बीच में और भी आ रही है लवाइजियर ने जो थ्योरी दी थी वो आपके मास की थ्योरी थी यानी कि द्रव्यमान की थ्योरी थी दूसरी जो थ्योरी थी वो आपकी प्राउस्ट की थ्योरी थी जो 1797 में दी गई थी 1797। की थ्योरी जो है वो 1774 की थ्योरी थी और प्राउस्ट की जो थ्योरी थी वो 1790 Seven की थ्योरी थी जिसको आप डेफिनेट के नाम से जानते हो हेयर मैन अठारह ने जो शुरू किया था 1803 में एक एक्सपेरिमेंट एक 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 उसको 1808 में कंप्लीट किया और इसी 1808 की थ्योरी में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एटम्स जो है वो डिविजिबल नहीं होते या एटम्स आर इनडिविजिबल करके बोला जाता है ठीक है एटम्स जो है ना वो इनडिविजिबल करके यहाँ पे डिफाइन किए जाते यही चीज जो है वो डाल्टन की क्या बन गई यहाँ पे आपकी डाल्टन की ड्रॉबैक बन गई यानी कि कमी बन गई क्या बन गई कमी बन गई तो आपकी अभी आपसे एग्जाम में कभी भी पूछते है ना कि डाल्टन की थ्योरी की सबसे बड़ी कमी क्या है तो आप लिखोगे उन्होंने ये बोला कि एटम जो है वो अविभाज्य हो सकते हैं या एटम नहीं एटम्स आर नॉट डिविजिबल यानी कि एटम्स जो है वो अविभाज्य होते हैं या हो सकते हैं यानी एटम्स को आप कभी भी डिवाइड यहाँ पे नहीं कर सकते हो ठीक है एटम्स कभी डिवाइड नहीं किए जा सकते तो अब विभाज्य के नाम से इसको बोला जाता है एटम की डेफिनेशन समझ आएगी आपको एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि अकेला भी रह सकता है या ग्रुप्स में भी रह सकता है यानी कि अगर न्योन है तो वो अकेला रह रहा है हीलियम है तो अकेला है क्रिप्टन है तो वो अकेला है लेकिन ये पेयर में भी रह सकते हैं पेयर में दो के पेयर में भी रह सकते हैं हाइड्रोजन टू करके लिखते हैं ऑक्सीजन टू करके लिखते हैं तीन के पेयर में भी रह सकते हैं जैसे नाइट्रोजन को हम तीन करके लिखते हैं सल्फर को आप एस एट लिखते हो फी थ्री पी फोर और पी फाइव करके यहाँ पे लिखने लगते हो ठीक है अभी यहीं पे आप याद रखो मोनो एटोमिक किसके लिए बोला जाता है जो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या सिंगल एटोमिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है जैसे एका परमाणु या एक परमाणु क्या हुआ हीलियम है। हीलियम है ही टू में एग्जिस्ट करेगा क्या नहीं करेगा क्यों क्योंकि वो खुद से ऑलरेडी स्टेबल है यानी कि खुद से वो ऑलरेडी जो है वो क्या है आ, देखो जो चीज ऑलरेडी स्टेबल है स्थायी है उसका ऑक्टेट पूरा है यानी कि उसका अष्टक जो है ना वो पूरा है वो क्यों फिर किसी और एलिमेंट के साथ जाके कंबाइन करेगा नहीं करेगा ना तो कुछ ऐसे एलिमेंट जो ऑलरेडी स्टेबल हैं और वे किसी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते हैं उनको आप मोनो एटॉमिक बोलते हो क्या बोलते हो मोनो एटॉमिक लेकिन डाय इसको बोला जाता है जो सिंगल से एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं उनको एक जो है ना वो दूसरा एलिमेंट चाहिए अपने जैसा तभी वो एग्जिस्ट कर पाएंगे ये होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स तो अगर मैं बोलूं कि एटम जो है वो जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसका मतलब यही है कि आपका हाइड्रोजन के जो एटम है उन्होंने पहले हाइड्रोजन एलिमेंट बनाया और यही हाइड्रोजन दो बार अगर या दो मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है यानी कि एस नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं तीन जुड़े रहते हैं आपके पास सल्फर में जो है वो आठ जुड़े रहते हैं फॉस्फोरस में चार या फॉस्फोरस में पांच भी हो सकते हैं ऑक्सीजन में टू हो सकते हैं ओजोन के अंदर जो है वो तीन हो सकते हैं यहाँ पे ठीक है तो आपके इस तरीके से ना हम उसको डायटॉमिक करके ना बोला जाता है क्या बोला जाता है डायटॉमिक करके बोला जाता है ठीक है जैसे मैंने कल भी बताया कि एटम्स जो है ना वो कभी भी आपके पास कोई भी रिएक्शन हो रही है या कुछ भी चीजें जा रही हैं तो उसमें कुछ पूरा मैटर पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट नहीं करता करता एटम है अगर लकड़ी जल रही है तो लकड़ी का जो एटम है ना वो जल रहा है अगर गैस जल रही है तो एलपीजी जो है ना वो आपकी एलपीजी जल रही है ना कि जो है ना वो गैस जल रहा है गैस जल रहा है गलत वर्ड होता है एलपीजी के जो एटम है ना वो यहाँ पे जल रहे होते हैं अगर मैं आपको बोलूँ पेट्रोल जल रही है तो पेट्रोल जलना गलत वर्ड है, पेट्रोल जिन एटम्स का मिलके बना है वो एटम्स जो है ना वो एक्चुअली में जलने लग रहे हैं। यही मैंने आपको रिएक्शन बताई कि कुछ रिएक्शंस आपकी कंट्रोल्ड होती होती हैं कुछ अनकंट्रोल्ड हैं हाइड्रोजन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये H2O बना देंगे लेकिन कंट्रोल्ड फॉर्म में अगर हाइड्रोजन हमने किसी बलून में भर दिया और फिर उसे हम फोड़ देंगे ना तो हवा में जो ओटू है उसके साथ रिएक्ट करके ना वो आग लगा देता है तो वही फैक्टर था जिसकी वजह से हाइड्रोजन को यूज नहीं किया जाता राइट right. ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी आज जो पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से एटॉमिक थ्योरी से पढ़ने वाले हैं सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने ये कह दिया कि जो एटम्स है ना वो इनडिविजिबल है यानी कि अब विभाज्य है यानी कि आप उनको विभाजित नहीं कर सकते नाउ सीरीज स्टार्टेड सबसे पहली चीज ये निकल के आती है कि भाई एटम जो है वो कंपोनेंट्स के बने होते हैं यानी कि एटम अपने आप हाँ में है क्या उसको समझने की ना होड लगने लग गई जिस पूरे सीक्वेंस में आपके पास जो कुछ साइंटिस्ट आएंगे वो कैसे कैसे आएंगे सबसे पहले आपके सामने आएंगे जे जे जी, ठीक है सबसे पहली थ्योरी जो है वो जेजे थॉमसन जी ने दी थी हालांकि मैं भी एक चीज और आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दे रही हूँ सबसे पहली जे जे की थ्योरी थी जिन्होंने एटम्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की क्या किया एटम्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की ठीक है उसके बाद जेजे थॉमसन की जो थ्योरी थी उससे अनसेटिस्फाइड रहे एक साइंटिस्ट जिनको बोला जाता है रदरफोर्ड साहब जी ठीक है रदरफोर्ड फोर्ड साहब जी क्या कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि भाई जो थ्योरी इनके द्वारा दी गई है जे जे थॉमसन के द्वारा जो थ्योरी दी गई है वो सही नहीं है उन्होंने 1911 में अपनी अलग से एक थ्योरी दी तीसरी थ्योरी जो आती है वो नील बोर की आती है जो इन दोनों का ही क्या था स्टूडेंट थे नील बोर जो है वो इन दोनों के स्टूडेंट थे यानी कि ये ये जो है ना वो इनका विद्यार्थी है किसका रदरफोर्ड फोर्ड का भी और जे जे का भी नेक्स्ट थ्योरी नाइनटीन में नील बोर की थ्योरी आ रही है उसके बाद आपके चैडविक की थ्योरी आ रही है राइट right? चैडविक uh, की थ्योरी किसके लिए आ रही है आपकी न्यूट्रॉन के लिए और गोल्ड की थ्योरी आ रही है किसके लिए आपके प्रोटॉन के लिए तो ऐसे करके ना पूरा एटम जो है वो डिवाइड कर दिया गया एटम के कंपोनेंट जो है ना उसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे और बीच में एक चीज आपकी निकल के ही आ रही है कि भाई यहाँ पे पहले बनेंगे सी और आर अब ये बताओ ये क्या नई चीज आप ला दी हो सी और आर क्या होता है सी मतलब कैथोड कैथोड्रेटिव ए मतलब एनोड एनॉड्रेटिव सी मतलब कैथोड रे ट्यूब और ए मतलब एनोड रे ट्यूब यहाँ से हम चीजें शुरू करने वाले हैं होता क्या है कि सबसे पहले आपकी ट्यूब्स बनाने की बात होती है यानी कि कुछ कैथोड और एनोड पॉइंट्स बनाने की बात होती है तो आपसे एक एग्जाम एक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैथोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली आप जरा बताइए क्या होता है एनॉर्ड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है बस आप इतना बता दीजिए हम यहीं से शुरू कर रहे हैं पीछे वाला जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है क्लासेस वो एक बार देख लीजिए ताकि आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझ सको ठीक है चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे हो गया रहा है कि आपकी जो कैथोड रे ट्यूब और एनॉर्ड रे ट्यूब बनाई थी उसमें से एनॉर्ड रे ट्यूब जो है वो गोल्डस्टीन जी के द्वारा बनाई गई थी और साइंस में ना केमिस्ट्री में एक चीज और भी याद रखना जिस समय आपके एटम को डिस्क्राइब किया जा रहा है 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 ना उसी समय, उसी समय जो है, वो आपकी पीरियोडिक टेबल भी बनाई जा रही है। 1808 में डाल्टन ने जब एलिमेंट्स की की बात की, तो धीरे धीरे और एलिमेंट्स आ रहे हैं मैं इसको जरा पैरल आपको समझाने की कोशिश करती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक चीज है जिसको आप समझोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा है ना तो एक बार इसको समझने की कोशिश करें है ना देखो एक बस ये समझ लो फिर मैं उसी स्लाइड पे आ जिस पे हम कर रहे थे आप बोलते हम लोग पीरियोडिक टेबल पहले ही करा देते हैं और एटम और मॉलिक्यूल जो है वो साथ साथ चलता रहता है आप याद रखिएगा केमिस्ट्री में सेवनटीन में जब लवाइजियर नाम के हमारे वैज्ञानिक के द्वारा क्या किया गया लवाइजियर के द्वारा जब आपके सत्रह में एसिड और बेस की जो डिफरेंसिएशन है वो कर दी गई यहाँ पे तो एसिड और बेस की डिफरेंशिएशन करने पे आपके कुछ जो है ना डिविजन्स होना शुरू हो गए जिस डिवीज़न में पहली डिवीज़न आपकी जो आ रही है वो ये आ रही है कि सबसे पहले एटम को एक्सप्लेन करना शुरू किया गया 1808 में किसके द्वारा जॉन डाल्टन के द्वारा किसके द्वारा जॉन डाल्टन के द्वारा ठीक है अब देखो 1808 के बाद जो साइंटिस्ट आ रहे हैं वो हैं गोल्डस्टीन जिन्होंने कैथोड रे ट्यूब और एनोड रे ट्यूब जो है वो बनाना शुरू किया और बात करना शुरू की कैथोड और एनोड पे साल जो चल रहा है वो चल रहा है 1887 के आसपास का और इसके बीच में आपकी काफी सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को लेके डिस्कवरी यहां पे चलने लग रही है ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना जब आपके एटम की डिस्कवरी चल रही है ना अब आपके यहां पे रदा रदाफोर्ड आ रहे हैं जे जे थॉम्सन आ रहे हैं 1904 के अंदर उसी समय में उसी समय में जो पीरियोडिक टेबल है वो भी चल रही है, नियर के रही है।, है, है। और के द्वारा 1817 में हेनरी मोसले की टेबल आती है तो आप याद रखना कि एटम की डिस्कवरी साथ साथ चल रही है और उसके साथ साथ पीरियोडिक टेबल जो है वो भी साइमल्टेनियसली चल रहा है इसीलिए पीरियोडिक टेबल में

इसीलिए एटम और पीरियोडिक टेबल आपके एक साथ जाते हैं ये चीज जो याद रखिएगा वो याद रखिए यहाँ पे, पे, पे चीजें जो है ना वो आपकी कैसे जाने लग रही है आपका क्या हो रहा है इस पूरे पार्ट में क्या हो रहा है कि जो गोल्ड की थ्योरी शुरू से यहीं से जे जे थॉमसन से शुरू कर लेते हैं सबसे पहली बार एटम को समझाने के लिए सामने आए जेजे थॉम्सन जेजे थॉम्सन 1904 में एक एक्सपेरिमेंट किए जो उन्होंने किया रे ट्यूब के ऊपर किसके ऊपर किया रे ट्यूब इसको हम बोलते हैं सीआरटी की ट्यूब क्या बोलते हैं सीआरटी की ट्यूब इस कैथोड रे को आप नेगेटिवली चार्ज लिखिएगा एग्जाम में जब कैथोड रे आपसे पूछा जाता है ना तो आप में से ही कुछ लोग क्या करते हैं कैथोड रे को क्या कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं जबकि कैथोड रे जो है वो आपकी ऋणात्मक बोली जाती है यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो बोली जाती है ऋणात्मक या नेगेटिव चार्ज एनॉर्ड रे जो है ना वो आपकी क्या बोली जाती है धनात्मक बोली जाती है तो एनॉर्ड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड जो है वो ऋणात्मक है सबसे पहली बार जब जे जे जी निकल के आए और एटम को एक्सप्लेन करना शुरू किया तो जेजे थॉमसन का जो ईयर था वो था 1904। आपके एग्जाम में ईयर किस चीज के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया यही पूछा जाएगा इससे ज्यादा डिटेलिंग नहीं आएगी उन्होंने एक ऐसा ट्यूब गन बनाया जिसके अंदर आपकी जिसको हम सीआरटी के नाम से जान रहे हैं जहां पे कैथोड रे जो है ना उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है इसी डिस्चार्ज के समय कैथोड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज रेज बोली जाती हैं उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की उनके हिसाब से कहना ये था कि जो एटम्स है ना जो एटम है वो खाली नहीं है इसके अंदर कहीं कहीं पे नेगेटिवली चार्ज है ठीक है कहीं कहीं पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो एटम अपने आप में जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है उसके अंदर जो है वो नेगेटिवली चार्ज जो है वो क्या है पार्टिकल्स हैं, जिनको इन्होंने क्या बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया क्या बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया <coughs> तो अब जे जे थॉमसन के <coughs> जे जे थॉमसन के मॉडल के हिसाब से एक सेकेंड यहाँ पे जे जे थॉम्सन के हिसाब से या जे जे थॉम्सन के मॉडल के हिसाब से जो उन्होंने सीआरटी ट्यूब को इस्तेमाल किया उसमें उन्होंने एक जो आपकी रिजल्ट है वो घोषित ये कर दी कि जो एटम है वो क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है यानी कि जो परमाणु है वो क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके अंदर ऐसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो घूम रहे होते हैं ठीक है इतनी सी चीज समझ आ गई अब जब उन्होंने इस मॉडल को देखा तो ये लोग हैं सारे के सारे ब्रिटिश या अमेरिकन यहाँ पे ये तो बिल्कुल पुडिंग है जैसा लग उसमें ड्राई फ्रूट होते हैं, तो हैं काजू बादाम वो ऊपर की तरफ नजर आ रहे होते हैं और ये ऐसा हाँ इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल ठीक है क्या बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल को कैसे एक्सप्लेन किया गया दोबारा सुन लीजिए कि आपके पास ना एक एटम है एटम में कहीं कहीं पे आपके पास नेगेटिव चार्ज ऐसे रखे हुए और जो फैले हुए है ना इलेक्ट्रॉन्स जो है ना नेगेटिव चार्ज को बोला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पे मास क्या है अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं किया जिसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का जो रेशियो था वो आपके मिलीकंस नाम के मिलिकन मिलिकन नाम के मिलिकन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया जे जे थॉमसन ने ये बोल के छोड़ दिया कि आपके पास एक स्फेरिकल एटम है उसके अंदर आपके पॉजिटिव चार्ज का एटम है और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया इलेक्ट्रॉन्स का तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर हो गए किसके नेगेटिव चार्ज के लीजिए भैया एटम जो है वो क्या बन गया न्यूट्रल बन गया उनके हिसाब से क्या बोल दिया गया कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर रखे हुए हैं तो एटम हो गया न्यूट्रल देखो ये वाली बात तो ठीक थी कि एटम जो है वो न्यूट्रल है या एटम जो है वो उदासीन है लेकिन एटम जो है वो आपके न्यू पॉजिटिव चार्ज अंदर है और उसके आसपास जो है वो न्यू नेगेटिव चार्ज घूम रहे है ये वाली बात कई लोगों को हजम नहीं हुई जिसमें से एक साइंटिस्ट जो आपके बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं रदाफुट अच्छा हमारी भाषा में ना हमने इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल को हमने तरबूज मॉडल भी बोल दिया तो कभी एग्जाम में आपसे वाटरमेलन या तरबूज मॉडल पूछा जाएगा तो भी याद रखिए हम किसकी बात कर रहे हैं जेजे थॉम्पसन की बात कर रहे हैं ठीक है जेजे थॉम्सन को किसके लिए डिस्कवरी के लिए जाना जाता है तो जेजे थॉम्सन की जो डिस्कवरी थी वो इलेक्ट्रॉन की थी और ये उन्होंने किस पे दिया था सी आर टी पे यानी कि कैथोड रे ट्यूब पे डिस्चार्ज करके बताया अब जब ये बात जो कि जे जे थॉमसन की थी वो नहीं समझ आई कई साइंटिस्टों को उनमें सबसे बड़े साइंटिस्ट थे रदा फोर्ड जी रदा फोर्ड के द्वारा ये कहना था कि जो आपके एटम है एटम के अंदर अगर आप ये बोल रहे हो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और वो कहीं पे भी रखे हुए हैं तो ये बात ने बोल दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो स्पीड है वो बहुत हाई होती है तो इसके हिसाब से रदरफोर्ड ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं ऐसा कैसे पॉसिबल होता हो सकता है इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजिशन कहाँ पे है इस चीज को 1911 में एक लेबोरेटरी के अंदर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में थी उस लेबोरेटरी के अंदर इसको परफॉर्म किया गया नाम किया था एक्सपेरिमेंट का गीगर मास्डन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है इसको एल्फा स्कैटरिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है या इसको रदर फोर्ड गोल्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है ये कैसा एक्सपेरिमेंट या प्रयोगात्मक चीज की गई जिसको गीगर मास्डन जो है वो नाम के ऊपर है आप शक्लें भी देख लीजिए यहाँ पे बहुत बढ़िया से ये आपके पहले नंबर पे रदरफोर्ड साइंटिस्ट हैं दूसरे नंबर पे गीगर हैं और तीसरे नंबर पे मास्डन हैं इन तीनों ने मिलके यूनिवर्सिटी ऑफ uh, मैनचेस्टर के अंदर उन्नीस के अंदर एल्फा प्रक्रीन मॉडल जो है वो पेश किया जिसको आप क्या बोलते हो गोल्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जो है वो कि बहुत सारा एक, की एक शीट लेंगे और एटम्स जो है ना उसके जो अल्फा रेज है ना उसके ऊपर बम्बार करेंगे हम ये देखेंगे कि अल्फा रेस गोल्ड फॉइल से कहा से होके जा रही है आप इसको एक्सपेरिमेंटली देख लो तो आपको समझ भी आ जाएगा क्या किया कि इस तरीके से एक शीट बना दी जिसमें गोल्ड फॉइल जो है ना वो बीच में रख दिया और एक होल के थ्रू एक आपका रेडियो एक्टिव सोर्स लेके जो अल्फा पार्टिकल है उनको ऐसे करके भेजना शुरू किया ठीक है आप एक बार इसको एक्सपेरिमेंट वे से देख लो देन ओनली मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगूंगी रदा पोट जी के द्वारा एक छोटी सी मशीन बनाई गई इस मशीन में इस तरीके से आपका सल्फर का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया गया इस सल्फर के स्ट्रक्चर में यहां से जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पे से ये अल्फा रेज जो है वो पाप की जो है वो बम्भाड़ की गई रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है ये बात याद रखिएगा रखियेगा रेज कभी भी नेगेटिवली चार्ज नहीं बोलती है

वो क्या होनी चाहिए थी पास होनी चाहिए थी अब आप इस एक्सपेरिमेंट में देखो कि मैक्सिमम रेस तो जो है वो सामने पास हो गई हैं लेकिन कुछ रेस जो है वो एक्यूट एंगल पे चली गई कुछ कुछ जो है वो आपकी ऑप्टिश एंगल पे चली गई तो कुछ ऐसे क्रॉस कर गई तो ये देखो ऑप्टिज बन गया कुछ कम पे एंगल पे गई लेस देन फोर्टी फाइव पे तो वो आपकी एक्यूट रेस बन गई है ना बन गई सारी की सारी ये थी ये देखो ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा हो सकता है कि एक्यूट और ऑप्टिश एंगल जो है वो मिले जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई अगर हम सीधा रे को भेजेंगे ना तो कभी ऐसा होगा कि कोई सिंगल रे ऐसी होगी जो वापस आएगी जो एल्फा रेज भेजी गई थी उन एल्फा रेज में से बारह हजार में से

समझ आ गई ये वाली चीज समझ आ गई आपकी कि जो भी रेज यहाँ पे बम्बार की गई थी वो अल्फा रेज जो है वो या तो ऐसे करके ऑप्टि एंगल बना रही हैं, वो या तो ऐसे करके एक्यूट एंगल बना रही हैं। कुछ ही अल्फा रेज यानी कि 12000 में से एक अल्फा रे थी जो सीधी चली गई था कि भाई सीधा जाने का मतलब नहीं है तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो इस मशीन के ऊपर परफॉर्म किया गया था ये आपका डिटेक्टर बोला जा रहा है ये गोल्ड फॉइल है अब मैं आपको हर चीज बता देती हूँ अल्फा पार्टिकल इसलिए इस्तेमाल किए गए थे क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं अगर वो धनात्मक है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से टकराएंगे और सीधे निकल जाएंगे

गोल्ड शीट से पास हुए गए दूसरा क्वेश्चन गोल्ड फॉइल को क्यों यूज किया क्योंकि गोल्ड जो है ना वो आपकी सबसे ज्यादा मेलीएबल होती है यानी कि आघात वर्धनीयता होती है क्या होती है आघात वर्धनीयता आप सोने की जो एटम है या सोने का जो मॉलिक्यूल है आप उसको कितना भी कन्वर्ट कर सकते हो और शीट में बदल सकते हो क्या कर सकते हो आप उसको कितना भी कन्वर्ट कर सकते हो और शीट में बदल सकते हो इसीलिए क्या किया यहाँ पे कि गोल्ड पॉइल्ड शीट्स जो थी गोल्ड फॉइल शीट्स जो थी उसको क्या कर दिया गया यहाँ पे उसको 200 हंड्रेड तक आप जो है वो पतला कर सकते हो थिन कर सकते हो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे गोल्ड फॉइल शीट्स जो है उनको इस्तेमाल कर लिया गया यहाँ पे डिटेक्टर इस्तेमाल किया गया ताकि डिटेक्टर जो है वो ये बता सके कि जो अल्फा रेज है वो निकल के कहां जा रही हैं यहीं से आपके पास जो है वो कुछ आपके पास रिजल्ट आ गए जिसमें से सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट क्या था वो ये था कि एक रे जो है जो बिल्कुल सेंटर पे जा रही है वो वापस आ जा रही है रदरफोर्ड का दिमाग जो है एकदम सनका उन्हें लगा कि अगर भाई जेजे थॉमसन जे के मॉडल के हिसाब से जाएं तो हर जगह इलेक्ट्रॉन्स है है ना

अगर जो रेस केंद्र के आसपास यानी कि सेंटर के आसपास से जा रही हैं वो तो सीधी गुजर रही हैं लो भाई बिल्कुल सीधी गुजर रही हैं लेकिन जो रे यानी कि जो किरण एग्जैक्टली सेंटर पे जा रही है वो वापस आ रही है और जो एक सेंटर के आसपास जा रही है वो क्या कर रही है यहाँ से ऐसे एक्यूट या ऑप्टिक एंगल बना रही है तो रदर को इतना समझ आ गया कि सेंटर में यानी कि बीच में ना आपके पास यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज है क्या है पॉजिटिव चार्ज है और जैसे ही उन्हें पॉजिटिव चार्ज मिला रदरफोर्ड ने उसको नाम क्या दे दिया न्यूक्लियस दे दिया क्या दे दिया न्यूक्लियस अब आप देखो किसी पर्सन को ढूंढने वो कुछ और गए थे मिल कुछ और गया उन्होंने केंद्रक बोल सकते हैं इसको इसको आप न्यूक्लियस को नाभिक बोल सकते हो या फिर न्यूक्लियस ही लर्न करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा उन्होंने क्या किया कि इस पूरा एटम तो छोड़ दिया भगवान भरोसे भाई इस एटम को जिसको समझना है वो समझ ले हमको तो न्यूक्लियस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो उन्होंने एटम्स के अंदर रखे हुए केंद्र में जो नाभिक या न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया इसीलिए रदाफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाना जाता जाता है 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 किस नाम से? नाम से से फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री के भी जाना जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ आ गई आपको ये याद रखिए कि आप यहाँ पे एक चीज और याद रख लो कि इसी कॉन्टेक्स में आपको एक पार्ट यह भी याद रखना है कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट पूरा जो चल रहा था इसमें नील बोर जो है ना वो इस इसपे नजर रखे हुए थे ये एक्सपेरिमेंट 1911 में हुआ था और नील बोर जो है जो इनके वैज्ञानिक जो इनके विद्यार्थी थे वो इस पे नजर रखे हुए थे जैसे ही वो न्यूक्लियस क्रॉस करके निकल के जाते हैं रदा फोर्ट जी नील बोर को इतना समझ आ जाता है कि नहीं ये गड़बड़ हो गया रदरफोर्ड ने यहाँ पे जो कमी कर दी ना वो ये कि उन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी में डिसीजन लेके न्यूक्लियस को देख के अपना समझाना शुरू कर दिया जबकि रदरफोर्ड की जो डीमेरिट्स बोली जाती हैं उनकी जो कमियां बोली जाती हैं जैसे मैं आपको बोलूं डाल्टन की कमी क्या थी डाल्टन की कमी ये थी कि उन्होंने एक, एक श्योर लाइन बना दी कि भाई एटम अविभाज्य बात कर ठीक है दूसरे नंबर पे आए थॉमसन जी जी ने ज़्यादा नहीं सोचा और ये बोल दिया कि भाई सेंटर सेंटर में जैसे सेंटर और तो कुछ भाग ही नहीं लिया पूरा जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और इस पूरे में कहीं कहीं जो है वो नेगेटिव चार्ज घूम रहे लीजिए भैया ये मॉडल अपने आप में कंट्रोवर्शियल बन गया तीसरे नंबर पे आ रहे हैं आपके रदा जी राट ने क्या किया कि लीजिए इन्होंने जैसे एटम के अंदर न्यूक्लियस को पढ़ा ये यहां से निकल लिए मतलब इन्होंने न्यूक्लियस लिया और निकल लिए एटम को ना ये बीच में छोड़ गए लीजिए भैया एटम अपने भरोसे रह गया एटम के ऊपर जो सबसे ज्यादा फिर रिसर्च की वो रिसर्च की नील बोर ने नील बोर को इतना समझ आ गया था कि रदरफोर्ड जी दो चीजें गलत कर गए हैं एक तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बताई कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कैलकुलेट कर करने पे इतना समझ आ गया कि आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहे हैं बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐसे करके तेजी से इलेक्ट्रॉन घूम रहे है और कोई चीज अगर बहुत ही ज्यादा तेजी से तेजी से तेजी से घूमेगी तो क्या होगा कि वो बिल्कुल सेंटर में चली जाएगी अपनी एनर्जी खत्म करके मान लीजिए किसी का कोई रास्ता नहीं है और वो ऐसे तेजी से तेजी से घूम रहे जैसे आप बॉल घुमाते हो ना ऐसे बहुत तेजी से बॉल घुमाओ आप है ना आप बहुत तेजी से घुमाओगे एकदम उसे छोड़ दोगे तो बॉल केंद्र में आके गिर जाएगी नील बोर ने यही बोला कि आपने इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसको तो समझाया ही नहीं आपके हिसाब से इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या कर रहे हैं केंद्र में आ रहे हैं यहाँ पे आके धस जा रहे हैं ऐसा तो हो नहीं रहा एटम तो स्टेबल है तो रदर जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को समझा नहीं पाए जिसको नील बोर ने आके समझाया और ऑर्बिट्स बताए कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपके ऑर्बिट्स में घूमते हैं यहीं पे आपके फिर ये वाली चीज नील बोर की साइड में चल रही है साथ में जो है वो आपके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो रही है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो चैडविक जी के द्वारा की गई थी उन्होंने इसके लिए ए इस्तेमाल किया था यानी कि एनोड रे ट्यूब उन्होंने बोला न्यूट्रॉन जो है ना वो इस पूरे एटम के अंदर सबसे हैवी चीज होती है जिसका द्रव्यमान जो है वो सबसे ज्यादा होता है ये वाली चीज जो है वो 1932 में में उन्होंने बोली थी जिसके लिए 1935 में इनको पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया था नोवल पुरस्कार इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जे जे थॉमसन जी को दिया गया राधा को न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए दिया गया प्रोटोन की डिस्कवरी को चैडविक के लिए दिया गया और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए गोल्ड स्टीन को दिया गया तो इस एटम के अंदर जो चार चीज है ना

सबसे ज्यादा ही होता है मास जो है न्यूट्रॉन का जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा ये चीज याद रखिएगा यहां पे न्यूट्रॉन की जो चैडविक की डिस्कवरी है या चैडविक की जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी वो आठ से की गई थी 1932 में और से ये डिस्कवरी जो होने वाली थी वो इस पूरे ऑपरेटर से हुई थी ये मशीन थी जो एनॉर्ड रे को यहाँ पे डिस्कवर करी थी एनॉर्ड रे को निकाला था और यहाँ पे जो है ना वो पूरा पार्ट जो है वो आपको लर्न करना है ठीक है तो ये पूरा स्टेटमेंट लर्न करिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे सारी स्टेटमेंट आपको इस तरीके से लर्न करनी पड़ेगी बराबर है अब बताइए कहीं पे कोई गड़बड़ है आपके सारी चीजें सही हैं इसी में आपकी एक और डिस्कवरी जो है वो याद रखिए वो प्रोटॉन की डिस्कवरी है प्रोटॉन की डिस्कवरी स्टीन ने 1886 में ही दे दी थी ठीक है प्रोटॉन की डिस्कवरी 1886 में स्टीन ने दे दी थी तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए किन एटम एटम में या एक के अंदर सबसे पहले डिस्कवर हुए जाने वाली चीज कौन सी थी तो याद रखिए सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो प्रोटोन की हुई थी कौन से साल हुई थी 1886 में याद रखिए 1886 में ना ये डिस्कवरी की गई थी राइट अब याद रखना है यहाँ पे 1886 की डिस्कवरी के बाद आपका जो है ना ये सारे लोग काम करने शुरू किए 1904 में जे, जे थॉमसन आए अब आपको एक कंफ्यूजन सा होगा कि कई बार आपने ये पढ़ा होगा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है ना वो रदर ने की है कई बार आप सुने ये वाली स्टेटमेंट अब आप आज के बाद इसको गलत भी नहीं करेंगे और ध्यान से ना इसको समझ भी लीजिएगा कि क्या चल रहा है देखिए प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की गई थी खोज की गई थी वो गोल्डस्टीन ने 1886 में कर दी थी कब कर दी थी 1886 में कर दी थी एक चीज ये याद रखिए पार्ट पार्ट क्या है 1917 के अंदर 1917 के अंदर रदरफोर्ड जब न्यूक्लियस को पढ़ रहे थे तब न्यूक्लियस को पढ़ते समय उन्होंने प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो नाम है उसको दर्शाया था अब याद रखेंगे जो प्रोटॉन का नाम जो था ना वो रदरफोर्ड ने रखा था और उनकी जो विशेषताएं हैं यानी कि प्रोटॉन की जो विशेषताएं हैं वो भी आपके रदरफोर्ड के द्वारा दी गई थी या करी गई थी तो सबसे पहले तो याद रखिए कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो गोल्ड ने की थी और नाम जो है वो रदरफोर्ड ने रखा था ठीक है ये देखो जरा 1896 में ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स खोज दिए आप लोग को जो मैंने बताया है, वो आप सारी की सारी वैल्यूज जो है उनको लर्न करिए आप सारी की सारी चीजें याद रखिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1904 है जे जे थॉम्सन मैं आपको एक ब्लैंक शीट पे ये सारी चीजें बता दे रही हूँ फिर उसके बाद आपको जो लर्न करना है वो आप अपने हिसाब से लर्न कर लो लर्न करने पे तो मेरा जोर ही नहीं है ना आप जो लर्न करोगे उसके वो आप ही के हाथ में होगा है ना तो मैं लर्न करने पे तो जोर ही नहीं डाल सकती लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकती हूँ कि जो चीजें हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्न करनी है पूरी देखो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो सबसे पहले यहाँ पे आप एटीन करके लर्न करो एटीन और एन इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी थी लेकिन उन्होंने नाम प्रोटॉन नहीं रखा था ठीक है सेकंड नंबर पे आपके थॉमसन जी आएंगे जे जे थॉमसन जी जिन्होंने 1904 1904 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि जिनको आप नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोल रहे हो जो ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं उनकी डिस्कवरी की उसके बाद 1911 में रदरफोर्ड जी के द्वारा ये पूरा जो आपका जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी की गई तो केंद्रक की डिस्कवरी या नाभिक की डिस्कवरी जो है वो किसके लिए बोली जाती है फोर्ड जी के लिए बोली जाती है किसके लिए बोली जाती है फोर्ड के लिए बोली जाती है किसके लिए फोर्ड के लिए बोली जाती है नेक्स्ट यहाँ पे नाइनटीन में आपके एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका मैंने नाम बोला नील बोर्ड नील गोर ने क्या किया कि पूरे एटम को एक्सप्लेन किया एटम की स्टेबिलिटी बताई यहाँ पे और उसके अलावा एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं या जो कक्ष होते हैं उनके बारे में बताना शुरू किया किसके बारे में जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके बारे में या उनके जो कक्ष है ना उसके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू किया ठीक है इतनी सी चीज समझ आ गई उसी कॉन्टेक्स्ट में जे जे थॉम्सन के द्वारा कैथोड रे जो आप 1897 लर्न किए हो ना 1897 आपकी वो तारीख है जब जे जे थॉमसन ने पहली बार कैथोड रे जो ट्यूब है ना उसको पढ़ा था 1897 जो तारीख आप जहां से भी लर्न किए हो उसको जरा रिवाइज कर लो और गलत करके मत जाओ नहीं तो एग्जाम में ये गलत जो है ना वो बहुत ही भारी पड़ सकता है राइट right? 1897 1897 आपकी वो ईयर है जब जे जे थॉमसन जी के द्वारा सीआरटी पे काम करना शुरू किया गया था कैथोड रे ट्यूब पे काम किया था उस साल उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं की थी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है वो उनकी 1904 के लिए आती है कब आती है 1904 के लिए 1904 में जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन दी इलेक्ट्रॉन का जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसको एक्सप्लेन किया एटम जो है ना उसको एक्सप्लेन किया और उसी टाइम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय भी दिया जाता है 1897 में जो सीआरटी ट्यूब है यानी कि कैथोड रे ट्यूब है उसमें पहली बार इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया था इन दोनों में जरा डिफरेंस जो है वो समझ लीजिएगा तो शायद चीजें थोड़ी सी आप लोगों के लिए क्लियर भी हो जाएंगी समझ आ गया इतनी इतनी सी चीज समझ आ गई कि सीआरटी ट्यूब जो है ना वो आपकी नाइनटीन एन नाइन सेवन में आपकी बनी थी सी आर टी ट्यूब सीआरटी ट्यूबी सेवन में बनी थी 1897 के अंदर उसको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ नहीं जोड़ना है ऐसे तो 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में कि ये पॉजिटिवली चार्ज है ऐसा बोल के छोड़ दिया था लेकिन फिर भी प्रोटॉन की डिस्कवरी आज भी जो है वो 1917 की रदा की जो एक्सप्लेनेशन है उसके बेसिस पे दिया जाता है है। तो आपकी जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन के द्वारा जो है वो एक्सप्लेन की गई थी आप डेट्स जो है वो पूरी लर्न कर लो बाकी जो है ना वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एग्जैक्ट ईयर तो आपको क्या ही पूछेंगे एग्जाम में उनको पता है ना कि एग्जैक्ट ईयर तो बताना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है हालांकि अब मैं यह उम्मीद करती हूं कि चीजें समझ आ गई होंगी 1886 में आर्ट के थ्रू प्रोटॉन की डिस्कवरी हो रही है लेकिन एग्जैक्टली exactly प्रोटॉन का नाम नहीं दिया था प्रोटॉन का चार्ज जो है वो एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सप्लेन किया था 1897 में कैथोड ट्यूब पे काम होना शुरू हो गया था लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया नहीं था इलेक्ट्रॉन के बारे में 1904 में बताया और ही रहे हो तो पूरी चीज लर्न करोटीन सेवन में ट्यूब आई थी और उन्नीसो में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो है ना ये बोला जाता है यहाँ पे और प्रोटॉन की डिस्कवरी जो की गई थी वो आर्थ से की गई थी किससे की गई थी ए आर टी इसको बोलते हैं एनोड रे तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है गोल्डस्टीन ने जब इसकी डिस्कवरी की तो उन्होंने इसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोला था क्या बोला था पॉजिटिवली चार्ज सब पार्टिकल या एटॉमिक पार्टिकल बोल सकते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से जाना जाता है जब पहली बार 1897 में नेगेटिव चार्ज कुछ होता है तो उसको सब एटॉमिक नेगेटिव पार्टिकल बोला गया था और प्रोटॉन को सब एटॉमिक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोला गया था इलेक्ट्रॉन का नाम और डिस्कवरी एग्जैक्टली फीचर्स के साथ 1904 में जे जे थॉमसन कर रहे हैं और प्रोटॉन की डिस्कवरी प्रॉपर उसके नामकरण के साथ और उसका पूरा करेक्टर स्टिक के साथ उन्नीस में रदर कर रहे हैं तो ये मेजर डिफरेंसेज है जो आपको यहाँ पे याद रखने तो आठ से आपके प्रोटोन जो है ना उसकी जो खोज है ना वो हो गई ठीक है इतना चीज जो है ना वो आपको यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा अब मैं आपको वापस पूरा एक बार करा देती हूँ ताकि फिर मैं आपको 45 हो गया 45 पे हम क्वेश्चन शुरू कर देते हैं तो मैं आपको हर चीज समअप करा देती हूँ एटम के अंदर में आपके पास तीन चीजें होती हैं एक होता है न्यूट्रॉन एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन और एक होता है आपका प्रोटोन ठीक है सबसे पहली इनमें से जो खोज थी अगर आप ईयर वाइज देखना शुरू करोगे तो सबसे पहली खोज जो है वो प्रोटॉन्स की थी 1886 में 1886 में गोल्डस्टीन ने एनोड रे ट्यूब से एक पार्टिकल खोजा जिसका उस उन्होंने नाम दिया कि भाई कुछ पॉजिटिवली सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि उपपरमाणु जो पार्टिकल बोलते हैं उपपरमाणु सब एटॉमिक पार्टिकल या उपपरमाणु कण जो है ना वो आपके खोजे गए थे किसके द्वारा आपके प्रोटॉन्स जिनको नाम दिया गया हालांकि इतना ही छोड़ा था नाम प्रोटॉन नहीं दिया था सब एटॉमिक पॉजिटिवली चार्ज 1886 में बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन की 1897 के अंदर जे जे थॉमसन ने सीआरटी ट्यूब पे एक एक्सपेरिमेंट एक किया और 1897 में उन्होंने उस चीज को क्या बोला नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि उपपरमाणु पार्टिकल उपपरमाणु कण सब एटॉमिक पार्टिकल जो है परमाणु कण जो है वो उन्होंने क्या बोला 1897 के अंदर इतना सा चीज चल रहा है फिर इलेक्ट्रॉन के लिए ही 1904 के अंदर जेजे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दे दिया और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और उनको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ऐसा उन्होंने 1900 फोर में डिस्कवर पूरा का पूरा जो है वो कर दिया 1904 के अंदर जो है वो उन्होंने पूरी डिस्कवरी कर दी फिर आती है 1911 आती है 1911 में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट चल रहा है 1913 में नील बोर का एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसी बीच में 1932 के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धीरे-धीरे एक्सप्लेन किया जा रहा है जिसमें से 1932 1932 में न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो किसके द्वारा की गई न्यूट्रॉन की खोज किसने की गई यहाँ पे चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक के द्वारा की गई और 1917 के अंदर रदरफोर्ड ने क्या किया जो आपके प्रोटॉन खोजे गए थे उनका नामकरण कर दिया कि लीजिए भैया इनको प्रोटॉन कहा जाएगा ये पॉजिटिवली चार्ज जो है उनको प्रोटॉन कहा जाएगा और इनके कैरेक्टरिस्टिक ये होंगे इन बिटवीन सबका मास और सबका चार्ज जो है वो आइडेंटिफाई हो गया या शुरुआत हो गई अब याद रख लेंगे अब इसी पूरे पार्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तारीखें आपको ऐसे ही लर्न करनी पड़ेंगी आपको यहाँ पे ना इसी तरीके से तारीख जो है वो लर्न करनी पड़ेगी मेरे ख्याल आप चीजें क्लियर है इससे ज्यादा नहीं हो सकता भाई ये शुरुआत हो रही है से न्यू की खोज हो रही है कौन कर रहे हैं यहाँ पे गोल्ड कर रहे हैं फिर एटीन आया कैथोड रे की ट्यूब से इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ऐसा किसने बोला जे जे थॉमसन ने जे जे थॉमसन ने फिर से 1904 में ये बोल दिया कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे उनको इलेक्ट्रॉन में कह सकता हूं तो लीजिए भैया 1904 में में इसको इलेक्ट्रॉन कह दिया 1911 रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर आया जो एटम की स्टेबिलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी ना बता के 1911 में उन्होंने न्यूक्लियस यानी कि नाभिक जो है ना उसकी खोज कर दी 1911 में उसको अधर में छोड़ गए 1913 में नील बोर आते हैं और एटम के स्ट्रक्चर को बताते हैं 1917 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया पूरी चीज जो है वो बता दी और 1932 में न्यूट्रॉन्स जो है वो उनकी खोज होगी कि भैया ये ना सबसे ज्यादा मास वाली जो चीज है वो है न्यूट्रॉन इस तरीके से पूरा एटम जो है ना वो आपका डिस्क्राइब जो है वो किया जाता है ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो याद रखिए इतना पार्ट जो है वो लर्न करना है ईयर्स आप लिख के रखिए आपको मैंने ईयर्स बता दिए इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है वरना किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है चलिए क्वेश्चन बताइए डैश प्रपोज दैट ईच एलिमेंट हैज अ पर्टिकुलर एटॉमिक मास किसने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक तत्व का एक विशेष मास विशेष विशेष मास होता है थोड़ा लिखेंगे ना मेरे साथ तो कन्फ्यूजन नहीं होगा लिखते नहीं है ना आप लोग इसलिए आपका ना यहाँ पे कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है जूलियस फ्लकर भाई यहाँ पे इंक्लूड अभी तो नहीं करेंगे जूलियस फ्लकर का लास्ट पार्ट घूम के नहीं पढ़े नहीं है ना आप लोग ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते हैं आप लोग पे आप लोग को लगता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन बस अब हम गंगा नहा लिए भाई आपको शुरू से लेके एंड तक चीजें पढ़नी पड़ेंगी ना आपको रिवाइज करना पड़ेगा तो आप इनको रिवाइज करिए आपके लेवल पे जहाँ पे भी दिक्कत आएगी उसको मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगी तो कल पहले आप अपने लेवल पे पढ़ के आइए उसके बाद में आपको मेरे लेवल पे चीजें जो है वो कल फिर से रिवाइज करा दूंगी ठीक है चलिए डाल्टन लिखने पे आंसर कोई दिक्कत नहीं केमिकली कंबाइन टू बिकम बताइए परमाणु रासायनिक रूप से अगर जुड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं सारे आएंगे भाई सारे क्वेश्चन आएंगे अब विलियम क्रुक्स को और ले आओ तुम तो यहां पे बीच में

अणु जुड़ के जो है ना वो एलिमेंट्स बनाते हैं या मोलिक्यूल और ये एलिमेंट जब आपस आप में जुड़ जाएंगे तो ये जो है वो आपके कंपाउंड्स बना देंगे तो आपका सीक्वेंस जो है ना वो ऐसे जाता है पहले एटम होते हैं जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं मॉलिक्यूल जुड़ के एलिमेंट बनाते हैं एलिमेंट जो है वो कंपाउंड बनाते हैं तो यहाँ पे आंसर आपको मॉलिक्यूल्स लिखना पड़ेगा एटम से सीधा एलिमेंट बना दो मतलब बहुत ही बढ़िया बात है एटम से सीधा मॉलिक्यूल बन गया ना अणु अणु की तो हमको जरूरत ही नहीं है परमाणु जो है ना वो अणु बनाता है पहले परमाणु जो है वो पहले अणु बनाता है उस अणु से ना आपका एलिमेंट बनता है इतना याद रखिए एटम जो है वो रखिएस्ट हो गया एलिमेंट जो है वो आपका सबसे छोटा मतलब ऑल जो एटम्स वो जुड़ के बनाते हैं मॉलिक्यूल्स किसको बोला जब दो या दो एटम जुड़ के केमिकली जुड़ते हैं तो वो आपके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जब भी आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए ना कि एटम जुड़ के क्या एटम केमिकली कंबाइंड अगर हो रहे हैं केमिकली कंबाइंड अगर हो रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं तो आप मॉलिक्यूल लिखेंगे ठीक है आप बताइए एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट मेक्स अ जो है वो एक ही एलिमेंट का अगर एटम है या अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो जुड़ के जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे मुझे लग रहा है आज ज्यादा ही हो गया है क्वेश्चन क्या आपने यहाँ पे कर ले क्या कंप्लीट कर ले देखो अब मैं आपको बता देती हूँ एटम जुड़ के क्या बनाते हैं इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो मेरी बात ध्यान से सुनो जो क्वेश्चन लिखा होगा उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि एटम्स अगर केमिकली जुड़ते हैं ना तो क्या बनाते हैं एटम्स अगर केमिकली जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं इस क्वेश्चन में एटम्स को आपको केमिकली जोड़ना है आपको एटम्स को कैसे नहीं जोड़ना आपको एटम्स को सिर्फ जोड़ना नहीं है आपको केमिकली जोड़ना है आप लोग याद रखिए जब भी केमिकली जुड़ने की बात आती है तो हम मॉलिक्यूल्स लिखते हैं ठीक है अगर केमिकली जुड़ने की बात आती है तो मॉलिक्यूल्स लिखते हैं बराबर है अब यहाँ पे बताओ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट ये मिलके क्या बनाएंगे इधर भी आपको मॉलिक्यूल लिखना है इधर भी अड़ुए लिखना है एटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट ये जुड़ के आपके क्या बनाएंगे आपके मॉलिक्यूल्स ही बनाएंगे तो एटम्स अगर केमिकली जुड़ रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल्स ही बनाएंगे कैसे एटम्स एटम्स अगर अगर केमिकली केमिकली जुड़ जुड़ रहे 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 हैं समझ पे हैं तो वो क्या बनाएंगे मॉलिक्यूल बनाएंगे एटम्स अगर जो है वो सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं वो अगर जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे वो मॉलिक्यूल्स ही जुड़ेंगे मॉलिक्यूल्स ही बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आपको सब समझ आ जाएगा हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम जो है वो पाए जाते हैं सेम ही होगा केमिकली जुड़ रहा रहेगा तो भी आपको मॉलिक्यूल लिखना है कितने रहेंगे अमोनियम क्लोराइड क्या होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है NH4Cl लिखते हैं या NH3Cl लिखते हैं चार, 6 कुछ भी लिख दे हम यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला लर्न करना पड़ेगा सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड में का फार्मूला क्या होता है ये चार कैसे आ रहा है 4 कैसे आ रहा है भी आप लोगों का चार पांच कैसे आ रहे है? कैसे जोड़ दिए एन एच फोर सी एल लिखना है एन जो है वो एक हो गया हाइड्रोजन जो है वो चार हो गए सी एल जो है वो एक हो गया तो चार जमा एक जमा एक, एक यानी कि छे हो गया तो अमोनियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं तो आप लिखोगे छह कितने होते हैं छे वट इज दस्ट ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड बताइए सबसे छोटे यौगिक को क्या बोला जाता है वट इज दब योगिक के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं ये ऐसे होगा वट इज दस्ट ऑफ अ कंपाउंड कॉल कंपाउंड के या योगिक के सबसे छोटे भाग को क्या बोला जाता है सबसे छोटे भाग या सबसे छोटे हिस्से को क्या बोला जाता है बताइए वट इज दी स्मॉलेस्ट ऑफ अ कंपाउंड नोनेस आप अगर एक कंपाउंड को या फिर आप जो है ना जोड़ दोगे किसी भी चीज को तो एक आपके जो कंपाउंड है ना उसको सबसे छोटा हिस्सा जो है ना वो उसका क्या बोला जाता है घुमा फिरा के आंसर आपको क्या देना है सबसे छोटे वट इज स्मॉलेस्ट ऑफ अ कंपाउंड कॉर्ट एक यौगिक के सबसे छोटे हिस्से को क्या बोलते हैं यौगिक के सबसे छोटे हिस्से को एटम कैसे बोलोगे फिर आप मॉलिक्यूल के सबसे छोटे हिस्से को क्या बोलोगे बताओ जरा अगर आप कंपाउंड के सबसे छोटे हिस्से को एटम बोल दोगे तो मॉलिक्यूल के सबसे छोटे हिस्से को क्या बोलोगे उसको भी एटम ही बोल दोगे भाई कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा जो है वो आपका मॉलिक्यूल होता है और मॉलिक्यूल का सबसे छोटा हिस्सा जो है वो एटम होता है यहाँ पे कभी भी इस क्वेश्चन में आंसर एटम नहीं लिखना है आपको कंपाउंड जो है ना उसका सबसे छोटा हिस्सा पूछा जाएगा तो आप मॉलिक्यूल लिखोगे शांति से ये बताइए निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि के 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 प्रतीक, के नाम के पहले एक या दो अक्षर से ही दिया जाना चाहिए कंपाउंड के सबसे छोटी चीज को मॉलिक्यूल बोलते हैं मॉलिक्यूल की सबसे छोटी चीज को या मैटर की सबसे छोटी चीज को आप एटम करके ना यहाँ पे डिफाइन करते हो ये चीजें थोड़ी कंटीन्यूअसली लेनी पड़ेगी प्लस माइनस जो आयंस है ना उनको समझना पड़ेगा तभी ये चीज समझ आएगी केमिस्ट्री में सबसे मुश्किल चीज यही वाला चैप्टर है कि आप एटम मॉलिक्यूल और एलिमेंट को जरा ना अलग कर पाओ डिफरेंशिएट कर पाओ वो समझे तो समझे नहीं तो कुछ नहीं समझे बरजेलियस करके याद रखे बरजेलियस ने ये नाम दिया था रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता बताओ रदर ने एटॉमिक मॉडल तो दिया लेकिन उन्होंने इस चीज के बारे में एक्सप्लेन ही नहीं किया Rutherford ने एटॉमिक मॉडल तो दिया पर इस चीज के बारे में डिस्क्राइब किया ही नहीं एक्सप्लेन नहीं किया किसके बारे में स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम परमाणु की स्थिरता के बारे में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं ठीक है परमाणु की स्थिरता के बारे में रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कणों को प्रक्षेपित जो है वो किया जाता है किसके ऊपर इन दॉल एल्फा पार्टिकल टू तो एल्फा पार्टिकल किसके पूरे मॉडल में रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर जो एटॉमिक मॉडल था रदाफोर्ड का एटॉमिक मॉडल उसमें अल्फा पार्टिकल जो है वो किस चीज के ऊपर आपके बम्बार किए गए थे किसके ऊपर गोल्ड के ऊपर क्योंकि गोल्ड को आप बहुत पतली शीट्स में यानी कि 200 हंड्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसीलिए गोल्ड को बाकी चीजों को हम इतना थिन नहीं कन्वर्ट कर सकते ना कैथोड रे का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था इस क्वेश्चन से जरा आप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और सीआरटी की जो डिस्कवरी है उसके ऊपर थोड़ा सा ना यहाँ पे अपना जो रोशनी डालिए प्रकाश डालिए जब आपसे लिखा रहे कि पहली बार कैथोड रे ट्यूब जो है वो किसने इस्तेमाल की तो आप आंसर क्या देंगे आप आंसर उस पर्सन का देंगे जिसने ये बोला था कि नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक उप परमाणु जो है ना वो आपके मौजूद होते हैं किसी एटम के अंदर तो कैथोड रे सबसे पहले किसने यूज़ किया आपके जे जे ने यूज़ किया है ना तब उन्होंने इसको पहली बार जो यूज किया था वो 1897 में यूज किया था और तब उन्होंने इसको नाम इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था ये बोला था कि नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर बीच बीच में रहता है 1904 में जब उन्होंने पूरा प्लम पुडिंग मॉडल दिया जो कि प्लम पुडिंग मॉडल की डिस्कवरी है तब उन्होंने में अच्छा, ये तो हो गया ना, गोल्ड आपने इसमें आंसर कर दिया इज वी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑर्बिट परमाणु की कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र द्वारा या किस फॉर्मूले द्वारा निर्धारित की जा सकती है अब आप समझ गयो 1897 और 1904 में अंतर समझ गयो वही कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी बताइए इसमें क्या लिखेंगे स्क्वायर स्क्वायर करके लिख यहाँ पे क्या आएगा आपका टू एन स्क्वायर एटम के ऑर्बिट में टू एंड स्क्वायर द मोलिकुलर मास ऑफ बताइए का आणविक द्रव्यमान जो है वो क्या होता है अब आप बताओ मुझे भैया जिनको कंफ्यूजन थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को लेके आपको समझ आ गया 18, 19, एटीन आपकी जो आप ईयर लिख इन एटीन नाइनटी सेवन उसमें आपकी सीआरटी आइडेंटिफाई हो रही है और उसमें ये बोल दिया गया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर कुछ तो रखे रहते हैं लेकिन जब पूरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ये है जो आपको ईयर में लर्न करना है uh, H2SO4 का जो मोलिकुलर मास है वो कितना होता है इसको आप निकालने निकालने का झंझट नहीं रखो 98 लिखो सीधा निकालते कैसे हैं जैसे आपके पास H2SO4 H2, लिखा है ठीक है S पे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख लूं आप 2 H लिख लो ठीक है प्लस दूसरा एलिमेंट आपका सल्फर है तो 1 सल्फर हो गया है ना तीसरा एलिमेंट आपके पास ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन हो गया ये आपने लिख लिया फिर देखो हाइड्रोजन जो है वो 1 है सल्फर जो है वो 16 होते हैं तो 32 हो गए यहां पे और प्लस में ऑक्सीजन जो है वो कितना होता है सोलह चौक चौसठ है ना यहाँ पे चार से आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो बट तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं हां जी नाइन्टी एट आपको निकालना आता है ना निकाल के रखिए ठीक है नाइनटी एट आ जाएगा ना आपके पास वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है उनको क्या बोलते हो एलिमेंट जिनका सेम मास नंबर होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है ना वो उनका अलग होता है बताइए आइसो टॉप लिखेंगे या आइसो बार लिखेंगे इनको क्या लिखेंगे आइसो बार क्या लिखेंगे आइसो बार तो बार करके हो गया यहाँ पे आपका है ना एक चीज याद रखिए में आपके पास जैसे आपका आर्गन है पोटेशियम है है ना और कैल्शियम है सबके जो एटॉमिक नंबर है वो तो अलग अलग है आर्गन का अठारह है पोटेशियम का उन्नीस है कैल्शियम का बीस है लेकिन मास नंबर देखो सबके बराबर है आर्गन का चालीस पोटेशियम का चालीस और कैल्शियम का भी चालीस तो अगर मास नंबर समान होते हैं द्रव्यमान समान है और एलिमेंट का अटोमिक नंबर अलग अलग है तो आप इसको आइसो बार बोलते हो ठीक है उसी तरीके से आइसोटोप किसको बोलते हैं जहाँ पे मास नंबर जो है वो अलग होता है लेकिन आपका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है ऐसा एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब एक ही एलिमेंट के लिए हो सकता है बहुत सारों के लिए नहीं द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालने तो उसको कैसे, कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या कैसे कैलकुलेट की जाती है कि जो द्रव्यमान क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जो द्रव्यमान होता है एम होता है मास जो होता है वो किसको जमा करके करा जाता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जमा करके किया जाता है तो अगर आपके पास प्रोटॉन और मास नंबर है तो आप न्यूट्रॉन जो है ना वो आपकी यहाँ पे हो सकती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैच कर दीजिए जरा सबको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी कांस्टेंट प्रोपोर्शन नियत अनुपात का नियम और एक पदार्थ का मूल इनमें से सारी चीजें बताइए आपकी किसके द्वारा दी गई हैं? धीरे धीरे आप चीजें करेंगे ना तो समझ जाएगा अभी आप यहाँ पे किए नहीं हो ना बहुत कुछ तो समझ आ जाएगा कल वाली क्लास में जब आप थोड़ा सा ना इन एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करोगे ना तो चीजें आपकी बेटर जाएंगी और कल और भी क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे A Z N बोलते हैं। आपकी एटोमिक थ्योरी जो है वो डाल्टन ने दी थी है ना कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो लवाइजियर ने दिया था प्रपोशन प्राउस ने दिया था और मोल की संख्या निकालने की जो बात थी वो किसके द्वारा की गई थी एवेगेड्रो के द्वारा की गई थी ठीक थी, है तो आपको ये सारे साइंटिस्ट लर्न करना है इसमें एक और हमने ऐड किया है जेजे थॉमसन जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था एटम का अच्छा एक चीज एक चीज या और याद रखो जेजे थॉमसन को मेनली जाना जाता है प्लम पुडिंग मॉडल के लिए इसी प्लम पुडिंग में इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है वो नाम रख दिया था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जेजे थॉमसन ने की थी ज ऑफ नाइट्रोजन इन एन एच फोर एनओ थ्री ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हो मैं आपको ये पूछू की एन एच फोर एनओ थ्री में आपके नाइट्रोजन की तो आप सॉल्व कर सकती हूँ मतलब थोड़ा सा इजी कर देती हूँ इजी कैसे कर देती हूँ फोर एनओ थ्री जो है ना उसकी आपकी वैल्यू कितनी आएगी ये अपन डिस्कस कर सकते हैं या ये वाला पहले एटम वगैरह लर्न कर लें उसके बाद लर्न करें पहले एटम वगैरह कल की क्लास में लर्न कर लेते हैं फिर ये वाले जो क्वेश्चन है ना वो आपके लर्न हो जाएंगे बताइए चले तो इनको यहीं पे रोक देते हैं है। हालांकि तो है। आप है है? आपको मास नहीं लिखा है ना आपको क्या लिखा है थर्टी फाइव आएगा यहाँ पे एन हो गया एच फोर हो गया एक एन फिर से हो गया और ओ थ्री हो गया दो एन हो गए यानी कि दो एन हो गए एक दो चार छ सात आठ नौ नाइन टू अपॉन में नाइन करके आपको ना ये लिखना रहेगा तो यहाँ पे थर्टी फाइव परसेंट आएगा ठीक है अच्छा पानी के पांच अणुओं का द्रव्यमान जो है वो क्या होता है बताइए पानी के पांच अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसको खत्म करते हैं पानी के पांच अणुओं का द्रव्यमान जो है वो कितना होता है पानी के पांच अणुओं का द्रव्यमान कितना बोला जाता है सुबह आठ ए एम होती है क्लास सात ए एम नहीं होती है पानी के आज अपने आप ही कुछ बच्चों ने चालीस आंसर कर दिया लीजिए भैया चालीस कर देते हैं आंसर ऑन अ सेफर साइड जो है वो आंसर चालीस हो जाएगा ऐसे क्या लिखेंगे व्हाट इज मोल मास ऑफ़ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पानी के एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो कितना होता है अठारह होता है देखो इससे भी आप समझो मॉलिक्यूल वर्ड लिखा हुआ है कंपाउंड तो नहीं लिख रहे पानी का एक मॉलिक्यूल लिख रहे हैं जबकि अगर मैं एस टूओ लिखूंगी तो ये अपने आप में कंपाउंड है कि नहीं है यौगिक है ना कंपाउंड है ना लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन में भी मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा समझना एक मॉलिक्यूल की संख्या अठारह तो तो में पांच कर लीजिए तो आपका नब्बे यूनिट हो जाएगा कितना हो जाएगा नब्बे यूनिट करके डिफाइन करेंगे चलो भाई अब नहीं कर पाएंगे अब जो है ना वो एकदम थक चुके हैं यह दो ही तो इन क्वेश्चन है चलो दो ही तीन कर लेते हैं मॉलिक्यूल शब्द जो है ना वो एटीन में किसने डिस्कवर किया था बताइए अणु शब्द अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा बिल्कुल सही देगा ना मतलब उसको सारी चीजें समझ आती हैं कई बच्चे जो है ना वो थोड़ा बीच में यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि डेट उन्होंने जो पढ़ी होगी ईयर जो उन्होंने पढ़ा होगा उसको वो बहुत भयंकर कंफ्यूजन अरे भाई ये हो रहा है वो हो रहा है गलत हो गया सब दिमाग में कंफ्यूजन हो गया भाई कंफ्यूजन का मतलब क्या है या तो आपने पहले कभी पढ़ा नहीं या आपने पढ़ा है तो गलत पढ़ा है, है ना कंफ्यूजन तब होती है जब आपने पहले वाला पढ़ा है वो गलत पढ़ा है अब मैं जो करा रही हूँ वो सही करा रही हूँ आप दोनों कन्फ्यूज कर रहे हो चीजों को लेके है ना या फिर ज्यादा ही लर्न कर लिए बहुत ज्यादा चीजें लर्न होगी तो कन्फ्यूजन हो गई हो गया ना आप बताओ मॉलिक्यूल 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 हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमको ये नहीं पता कि मॉलिक्यूल शब्द जो है ना वो पहली बार डिस्क्राइब किसने किया था आइडेंटिफाई किया गया था तो ना तो जॉन डाल्टन ना प्राउस्ट और ना ही कन्नड़ आप लोग याद रखिए विलम ऑस्टवर्ड के द्वारा सबसे पहली बार जो मॉलिक्यूल शब्द है ना उसको डिस्क्राइब किया गया था विलियम ऑस्ट करके याद रखिए एटॉमिक मास रिलेटिव टू ऑल एलिमेंट्स हैव बीन इन रिलेशन ऑफ एन एटम से हमने सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम के जो मास है ना उसको यहाँ पे क्या कर दिया सबको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया तो सी ट्वेल्व से आपका सब कुछ जा रहा है ना प्रोटॉन की खोज किसने की थी कभी भी आंसर रदाफर, रदाफर नहीं लिखना है प्रोटॉन की खोज आपके जो की थी ना वो आपके गोल्ड स्टीन ने की थी किसने की थी यहाँ पे गोल्ड स्टीन के द्वारा की गई थी किसने की गई थी गोल्ड स्टीन के द्वारा तो ये आपकी पूरी स्टेटमेंट है लर्न कर लीजिए यहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चालू है आप मेरे साथ जुड़ जाइए यहाँ पे टेस्ट सीरीज के लिए भी और आपका बूस्टर बैच जो है वो भी शुरू हो रहा है बूस्टर बैच में आपके अगले पंद्रह तारीख से आपका एक बूस्टर बैच जो है ना वो शुरू हो रहा है पंद्रह से पंद्रह यानी कि एक महीने के अंदर आपको सारी चीजें जो है जो साइंस की है जीके की है मैथ्स की है और रीजनिंग की जो है ना वो आपकी कवर कराई जा रही है तो वो एक बार आप कर लीजिए ठीक है चलिए अभी के लिए गई थैंक यू सो मच मैं आपको मिलती हूँ सुबह आठ ए एम पे आठ ए एम पे आपके साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट जो है ना वो आपके चल रहे हैं तो एक बार आप पूरे पार्ट को रिवाइज कर लीजिए कॉन्सेप्ट कोई इतने मुश्किल नहीं है कंफ्यूजन हमें तब हो जाती है जब हमने पहले कुछ और पढ़ा है बाद में कुछ और पढ़ा है या हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है बहुत ज्यादा इसीलिए दिक्कत हो जाती है